नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। हाल ही में यूपी में पंचायत चुनाव हुए, इस बीच विकास दुबे के क्षेत्र से महिला चुनाव जीती है। बता दें कि विकास दुबे के रहते पंचायत का चुनाव उसके हाथों में था, क्योंकि प्रधानी पर लंबे समय से विकास दुबे का कब्जा चला आ रहा था। पिछले दिनों वो मारा गया। लंबे समय तक आतंक का पर्याय बन रहे विकास दुबे के खात्मे के उपरांत बिकरू ग्राम पंचायत में लगभग ढाई दशक बाद एक बार पुनः लोकतंत्र का उदय हुआ। 25 साल बाद बिना किसी दबाव के चुनाव हुए। मतदान में गणना के बाद मधु ने जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। यहां मधु और प्रतिद्वंदी बिंदु कुमार के बीच कांटे की टक्कर रही। कड़े मुकाबले के बाद मधु ने जीत दर्ज की। उनकी जीत के बाद गांव में जश्न का माहौल है। यहां 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जबकि मधु और बिंदु कुमारी के बीच टक्कर मानी जा रही थी। कड़े मुकाबले के बीच मधु ने 381 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बिंदु कुमार को 327 वोट मिले हैं। पंचायत चुनाव में मतदान के बाद से बिकरू और पड़ोस के गांव भीटी गांव में चुनाव परिणाम आने से पहले ही आज़ादी जैसा माहौल है, जबकि कुख्यात विकास दुबे के रहते यह नामुमकिन था। थाना क्षेत्र का बिकरू गांव कुख्यात विकास दुबे के कारण चर्चा में बना हुआ है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने 2 जुलाई 2020 की रात अपने साथियों के साथ मिलकर बिलौर समेत 8 पुलिस कर्मियों की तब निर्मम हत्या कर दी थी, जब पुलिस टीम के एक मामले में उसके घर पर दबिश देने पहुंची थी। आतंक का एक ऐसा नाम जिसके रहते वर्षों तक गांव में किसी ने उसके खिलाफ अपनी जुबान खोलने की कभी हिमाकत नहीं की। मालूम रहे कि विकास दुबे वर्ष 1995 में बिकरू ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। उसकी दहशतगर्दी का ही नतीजा था कि एक बार ग्राम प्रधान बनने के पश्चात दोबारा उसकी मर्जी बगैर कोई प्रधान नहीं बन पाया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।